सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु दंडो आज एक माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि बस मेरी मीरा की बात बना दे। जो लड़की वाले देखने आ रहे हैं उन्हें मेरी मीरा पसंद आ जाए। हे चिंतापूर्णी माँ, मेरे ये सपने को पूरा करके मेरी ये चिंता हमेशा के लिए दूर कर दे। मैं तेरे दर्शन के लिए नंगे पाँव आऊंगी, मैं तुझे पूरे चांदी की छत्तर चढ़ाऊंगी, बस मेरा ये सपना पूरा कर दे। मैं मीरा को जगाने जा रही हूँ, बस सबको संभाल लेना माँ, सबको संभाल लेना। मीरा पुत्र, एल्लाओ जी, जिसके लिए मन्नते मांगते मांगते मेरा गला सूख गया वो अभी तक सो रही है। मीरा पुत्र उठ जा, तुझे पता है ना मुंडे वाले तुझे देखने के लिए आने वाले हैं, फिर भी सो रही है। अरे उठ के तैयार तो हो जा, मुझे भी बड़ी सारी तैयारियां करनी है। आज तो मैंने माता रानी से भी मन्नत मांगी है और बाबा जी से भी अरदास की है। अगर तेरा रिश्ता पक्का हो गया ना कि मैं तुझे दुख निवारण साहब भेजूंगी मत्था टेकने के लिए, बस तू अपनी तरफ से ना कोई कमी मत छोड़ना, सुन रही है? ओ उठ जा मीरा। मीरा मीरा, क्या क्या बताई जी? फिर भाग गई थी। फोन कर उसे और पता कर किधर है वो। हाँ ताई जी। ओ खोल दे आ, ओ एनु हाथ ला लावी, ओ अपनी दुकान। इसलिए कहती हूँ शाम को प्रैक्टिस किया कर, लड़के ताने छोड़ दे। चलो ये लस्सी पीने चलते हैं यार। मीरा क्या कर रही है, 10 बज गए, अब जा। आंटी ने पूरे घर में रोला पा देना है। रोला? अब तक तो वॉरेंट भी निकल गया होगा। ओए गल सुन ले काका, तेरा रब ही रखा
अरे धीरे धीरे, अरे अरे ठोक मत देना मेरे रिक्शा, आप हो कौन मैडम जी और मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? अरे आप टेंशन ना लो। मोटर बाइक देख खिलौना है, ने हवाई जहाज भी उड़ाऊंगा। अरे मैडम ठुक जाएगी, मरवाओगी क्या? चौधरी बस चढ़ जाती ओवर स्मार्ट लई पागल लड़की, रुक जा। हाय ओए मेरी कमर। थैंक यू। लो पकड़ो, दवाई शवाई करा लेना, ठीक है? चलो 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 आगे चलो। अरे चलो ना, जल्दी चलो ना। इनको क्या जरूरत है ट्रेनिंग लेने की? इनमें तो परफेक्ट वाइफ बनने से पहले ही इतने गुण हैं। हेलो, 500 कॉला, मैं तेरी हस्बैंड आ? अरे मम्मी को बोल शताई कि मैं। ओ मैडम, किधर किधर, पीछे जाओ ना। टेंशन ना ले, शर्मिंदा नहीं करना आज मैं उन्हें। चल फोन रखूं। हेलो, हाँ सिल्की, तू पता है मेरे तो नहीं होना यार, गिच्ची अटक जानी है तेरी भी तो मेरी भी, तेनु पता है मेरी सिचुएशन। हाय रब्बा, की होया पानी लाओ कोई, की होया है? अन्ने है सारे के सारे, बच्चो है तो फटाफट फटाफट हटो कुड़ियों, हटो हटो हटो, वो पानी लेके आओ, मुझे छिट्टा मारना है। छेती बस बस बस, आगे बहुत मेकअप खराब हो चुका है, ऐसे तो एडमिशन नहीं मिलेगी ना। ओ तेरे की, कोई सुन लेगा, इसका मतलब चक्कर तुझे नहीं आए थे, चक्करों में तू मुझे डाल रही थी। सच्ची बता, ये सब तूने इसलिए किया ना ताकि तुझे इधर एंट्री मिल सके? धीरे बोल, कोई सुन लेगा। हाय रब्बा, धीरे धीरे। होशियारपुर के ना सभी घरों का बस यही रप्पड़ है, सबको बस इस सोनी कुड़ी में एडमिशन चाहिए, पता नहीं क्यों। वैसे तुझे एक बात बताऊं, ऐसे ड्रामे करती रही ना तो एक अच्छी बीवी बन पाए ना बन पाए, पर एक अच्छी सास जरूर बन जाएगी। आप मुझे पहले कहीं मिली हो क्या? इतनी फालतू बात कर रही हो, और क्या जानती हो आप इस एकेडमी के बारे में? अच्छी तरह पता है मुझे, लड़कियों को ना यहाँ पे बस नकली और बनावटी बीवी बनने की ट्रेनिंग मिलती है, वो क्रैश कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स, पता नहीं कौन से। पहले जमाने में एकदम सही होता था, कुकिंग क्लासेस ली और काम खत्म, पर नहीं आजकल तो वो चलता ही नहीं। आजकल बस पता नहीं कौन से दूसरे नकली शोशे शुरू हो गए हैं। एक सेकंड, अगर आपको ये जगह इतनी ही बुरी लग रही है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ तेरी, हाय रब्बा, गया मेरा केक। परे हटो। ओ जी लो तुम्हारा केक, परफेक्ट हस्बैंड के लिए परफेक्ट ब्राइड बनिए एट सोनी कुड़ी अकादमी, वन स्टॉप चॉइस टू बी अ फाइव स्टार वाइफ भी होती है कोई, प्रीमियम वाइफ, प्लैटिनम वाइफ। ले इतना ही पढ़ना होता तो डॉक्टरी ना कर लेती। हाँ जी, ये क्या असाइनमेंट में तो तिरामिसु बनाने को कहा था। तिरामिसु? वो क्यों होता है? एक टाइप का केक ही होता है। तो मैं वही क्या? केक। बट ये तो खराब है। मैंने वो एक गल दसो, अगर ससुराल में मैं खाना बना रही हूँ और वहाँ कोई बेहोश हो जाए तो मैं उन्हें बचाऊंगी कि खाने नू? दोनों को। Thank you.
मैडम जी मेरे ना दो ही हाथ है, चार नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी टीच हियर। हम भी यहाँ पे यही सिखाते हैं कि चार हाथों का काम दो हाथों से कैसे किया जाए। वैसे आई अप्रिशिएट तुमने अभी जो किया, और वैसे भी कुछ फैमिलीज में होती है डिमांड तुम जैसी लड़कियों के लिए, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है तुम्हारा। आगे जाकर सास को तो प्रॉब्लम हो ही सकती है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, ओ माय गॉड, ये बहुत ही डाउन मार्केट है, तो आगे जाके हस्बैंड को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, तो इसे भी बदलना पड़ेगा। और मॉरल्स को लेकर तो बहुत ज्यादा स्टबर्न हो तुम, आगे जाकर तो पूरी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है, इसे भी बदलना पड़ेगा। एक काम करो, एक्स्ट्रा क्लास वाले बैच में ऐड कर दो इसको। ओह हेलो मैडम ससुराल स्टडीज, थैंक यू जी, पर मैं इतने अपने आप नु बदलने नहीं आई, मैं इतने बस अपनी कजिन सिस्टर था ना, होमवर्क सबमिट कराने आई सी। हे यू, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। तो यहाँ आए बिना होगी भी नहीं, क्योंकि किसी अच्छे घर की बीवी या बहू बनने जैसा तुम में कुछ है नहीं, और इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक जगह है जो तुम्हें इस लायक बना सकती है, सोनी कुड़ी एकेडमी। तुम जैसी ना जाने कितनी लड़कियां यहां से ट्रेनिंग पाकर आज अपनी पसंदीदा शादीशुदा जिंदगी जी रही है, तो आना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। कभी नहीं आऊंगी। We'll see. मैम ये मिठाई आपके लिए। थैंक यू सो मच सोनी कुड़ी, और आपकी वजह से मेरी शादी आज एक NRI से हुई है। थैंक यू सो मच मैम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं करनी भी नहीं, अभी कोई गलत नहीं है, कैसे हंसना कैसे रोना, इधर चक्कर में तो कोई कोई ये भी कहेंगे कि बाथरूम कैसे जाना है। पापा जी इन फ्रॉडियों के चक्कर में ना मैं लेट हो जाना है आज फिर। ओफो, बस ही हो गया ये सब, कितना टाइम लग रहा है। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। ओहो आंटी जी आप एक और डिश ले आई हैं। लड़की को बुला कर लाई ना, मैं सिर्फ खाने पीने थोड़ी ना आया अब। हाँ जी बस 5 मिनट जा रही है जी, तैयार हो रही है ना। ओ इतना टाइम, सॉरी जी। आप कुछ ले क्यों नहीं रहे, लीजिए ना। कितने वे मीरा जाके बुला जल्दी, जाओ जल्दी। बस आ रही है जी, बच्ची है ना थोड़ा टाइम लगाती है जी। इतना टाइम, हद हो गई है। सॉरी। कुड़ी ने इतनी देर लगा दी, जल्दी बुला लीजिए प्लीज। हाँ जी बस माफ करो जी, बस आंधी होएगी। सबको परेशान करने में आपको बहुत मजा आता है क्या दी? सब वेट कर रहे हैं आपका। अब तू और मत लड़, वरना सबको और वेट करना पड़ेगा। मेरी माँ दी चेंज करके आई। दी ओलो जी आगे साड़ी कुड़ी, आ जाओ पुत्तर। हाँ फाइनली द स्टार एंट्री। हाँ पुत्तर इधर रख दे। सिट सिट बैठो। नमस्ते कर सकते मीरा। तो क्या करती हैं आप? जी BA। ओनली BA? आगे M वगैरह नहीं लगाना? ओ जी ये जित्थों दी BA कर दिए ना उसकी बड़ी वैल्यू है। और ये कहाँ से BA करती हैं? क्वींस कॉलेज। ओ क्वींस कॉलेज। हाँ जी। वाह जी वाह, ये पहली बात है आपकी कुड़ी की जिसने हमें इम्प्रेस किया है, वरना मुझे तो लगा था हम यहाँ बस टाइम पास ही करने आए हैं।
वैसे मैंने सुना है कि क्वींस कॉलेज की अंग्रेजी बड़ी ही फराटेदार होती है। ओ जी आपको कोई शक? ओ जी ये अंग्रेजी मैम से कट नहीं है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलती है जी। ए पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, ये बताओ कि खाना शाना बनाना जानती है? ओ जी सब कुछ बना लेती है, सब कुछ। आप कुड़ी को बोलने देंगे? हाँ जी क्यों नहीं। पुत्र बता क्या क्या आता है जी? छोले भटूरे, सरसों का साग, आलू के पराठे बनाने आते हैं, सब आता बनाना। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर कोई बना लेता है। इटालियन शिटालियन बनाना आता है? ओ जी आता है जी, बिल्कुल आता है। ये सब देखो, ये सब इसी ने तो बनाया है। ए जी पास्ता, मैक्रोनी, ए पिज़्ज़ा ते ए सैंडविच ते सब कुछ। एक्सक्यूज मी, पास्ता इज नाइस। चलो अच्छी बात है जी। वैसे घर आपका काफी बड़ा है। हाँ जी। आपका अपना है? ओ जी कर लो बात, साडा नहीं तो और किसका है। मीरा के दादाजी ने खरीदा था कई साल पहले। ओफो, अब छोड़ो ये सब, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। पुत्र जी तुमने कुछ पूछना है प्राइवेट शैविट में? आपकी हॉबीज वगैरह क्या? जी जी जैसे आपकी हॉबी खाना खाना है वैसे ही मेरी। एक्सक्यूज मी, अरे मेरी बेटी को ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? हाय हाय, इस कुड़ी के चेहरे पे तो कोई तिलविल ही नहीं है। मतलब इसकी किस्मत में कोई लक ही नहीं है। ब्याह कैसे होगा? ओ जी ऐसा ना कहो जी, बंद करो ये ड्रामे। ड्रामे? What? जी सही सुना, ड्रामे। मेरी फैमिली की ना हॉबी है नौटंकी करना। क्वींस कॉलेज जाती जरूर हूँ मैं, लेकिन वहां पे ना छोले भटूरे खाने, अंदर तो एंट्री देते नहीं वो, क्योंकि पढ़ती नहीं हूँ मैं वहां पे। बीए करिए कॉरेस्पॉन्डेंस से, सेकंड डिवीजन पंजाबी मीडियम से, अंग्रेजी मीडियम से नहीं। और ये सारा खाना जो आप देख रहे ना, ये मैंने नहीं बनाया, दादी की किसी किटी फ्रेंड ने बनाया होगा। मुझे तो ना इनके नाम तक नहीं पता, ठीक है? अब आप सब सुनिए मेरी हॉबीज की प्रसंग सहित व्याख्या। बिजली वाला रैकेट देखा आप लोगों ने? उससे मच्छर मारना मुझे बड़ा पसंद है। अंग्रेजी फिल्मों के हिंदी डब देखने में तो मुझे बड़ा ही मजा आता है। रात को जागना और सवेरे सोना, वो तो जी मेरा फेवरेट है। और आप क्या कह रही थी मेरी किस्मत के बारे में? मेरी किस्मत में लक नहीं है जी? आपके इस छछुंदर जैसे बेटे से शादी हुई ना, तो मेरी किस्मत के तारे तो वैसे ही डूब जाने हैं। अपने माँ बाप की बेइज्जती करना तेरी सबसे बड़ी हॉबी है ना? रुक दस दिया तनु मेरे साथ चल तो। ओफो, है? दिमाग खराब हो गया, हाथ छोड़। डीजे 50वीं बार प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उधर जी फेल हो गई। चाची आप भी कुछ समझा दो। और मुझे छोड़, तू समझ कि तू क्या कर रही है, अपनी बहनों का तो सोच। तेरी ऐसी हरकतें रहेंगी तो तेरी बहनों की शादी कैसे होगी, कभी सोचा है? ओ हैरानी तो मुझे तेरी समझ पे हो रही है। वो ऐसी चंगी लड़की नसीब वालों के भाग में होती है। बीजी, लोगों को चंगी के साथ साथ समझदार कुड़ी भी चाहिए, जो वक्त पड़ने पर झूठ को भी सच की तरह बोल सके। उसके लिए तो ये सब प्रैक्टिस करवा रही थी, लेकिन ये कुड़ी समझती कहाँ है, फिर फेल हो गई। 17 बार ना हो चुके बीजी, और अगर कल मुंडे वालों के सामने इसने फिर गंद फैलाया ना, तो 18वीं बार ना हो जाएगी। ड्रामा खत्म हो चुका है। लेकिन मम्मी बचपन से तो आपने सिखाया है कि सच बोलूं, और आज आप बोल रहे हो झूठ बोलूं। क्योंकि बेटा बच्चों और बड़ों की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। मैं तो कहती हूँ कि सच से बुरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। सारे रिश्ते तब तक ही बने रहते हैं जब तक उन पर झूठ की चादर चढ़ी हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पड़ोसियों के बीच में,
या फिर चाहे दो देशों के बीच में। चाची, पर मैं ये कह रही हूँ कि झूठ के पैर नहीं होते, किसी ना किसी दिन तो सच सामने आना ही है, क्या तब ये रिश्ता टिक पाएगा? लेकिन बेटा, स्वीटी तू रहने दे, इसको समझा के कोई फायदा नहीं, रब ने सारी अकल तो इसे ही दित्ती हुई, इसकी दादी, इसकी चाची, मैं हैं, तेरी सारी बहनें सब बेवकूफ है ना, डफर है, सब तू सियानी सिर्फ तू है। मम्मी पर मैं ये, चुप कर, चल तू मेरे नाथ, मैं अभी दसती हूँ। डॉली डॉली खबरदार, हाथ भी लगाए, सास हो तेरी, मेरी बात सुननी पड़ेगी तुझे। डॉली ये मम्मी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तेरी ऐसी हरकत से मुझे भी दर्द हो रहा है, यहाँ छोड़ दो, देखो कोई परवाह है नहीं, परवाह ना तेरे को मेरी माँ की, छोड़ दो ना, मर गई तेरी माँ, चल मेरे नाथ, चल आज तो मैं तेरी अक्कड़ ठिकाने लगाऊंगी, चल दरवाजा तभी खुलेगा जब कल लड़के वाले आएंगे, समझ गई है ना तू? सच की सारी जिम्मेदारी तूने ले रखी है। अगर माँ की गल मन लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी? सुन ले, कल मुंडे वाले आ रहे हैं और तेनू झूठ बोलना ही पड़ेगा, सुन रही है ना? और अगर नहीं बोलिया तो बैठी रही सारी उम्र ऐसी कमरे में, समझी कि नहीं? बचपन से जो आपसे सीखा है वो सब एकदम से कैसे भूल जाऊं मम्मी? सच का रास्ता मुश्किल है पर फिर भी उस पे चलना चाहिए। आप ही बोलती थी ना, अब वो सब एकदम से कैसे भूल जाऊं? और कोई मुझे नहीं समझता, कम से कम आप तो मुझे समझो। झूठ बोल के रिश्ता जुड़ सकता है पर झूठ बोलने से वो रिश्ता निभेगा क्या मम्मी? दिखावे के रिश्ते, दिल के रिश्ते कैसे बन सकते हैं? क्या इतनी बुरी हूं मैं? जैसी मैं हूं वैसे कोई लड़का मुझे पसंद नहीं कर सकता क्या? बोलू ना मां,